हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रुचि है और मैं आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ दिनों से वीडियो बना रही हूँ और मेरे पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता चले होगा मैं अभी क्या बताने वाली हूँ। मेरे चैनल का नाम है रुचि डेली लाइफ्स एंड प्रेगनेंसी टिप्स। चैनल के नाम से ही आपको पता चलता है कि मैं अपने डेली लाइफ्स के बारे में बताऊंगी और प्रेगनेंसी टिप्स के बारे में बताऊंगी। सो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि बेबी प्लानिंग करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूंगी जो मैंने नहीं करे थे, मैंने लापरवाही करे थे, तो मैं नहीं चाहती कि आप करो। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि आप पहले ये डिसाइड कर लो कि हाँ आपको कंफर्म है कि हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि अभी कंफर्म नहीं है कि भाई हमें बेबी प्लानिंग करनी ही है। तो ऐसे पहले सुनिश्चित कर लो भाई हाँ बेबी प्लानिंग करनी ही है। अगर करनी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसा कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ आगे। पहला पॉइंट ये है कि आप अपना ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बेबी प्लानिंग अगर प्लानिंग करनी ही है तो ठीक है, अपना ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। और ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, ये जेंट्स के लिए भी है। जेंट्स को भी लेडीज के साथ अपना ध्यान रखना पड़ता है, उनको भी आहार अच्छा लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आप दोनों अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो बेबी कंसीव करने में जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी, अगर आपका अच्छा डाइट रहा, अच्छा हेल्थ रहा। ठीक है, और बेबी का ग्रोथ भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें हेल्दी आहार लेना है, हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छा आहार लेना है। ठीक है, और अपना ध्यान रखना है। ठीक, ये पहला टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है डॉक्टर्स और हॉस्पिटल। और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल सुनते ही आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जी हाँ, आप अच्छे डॉक्टर्स का चुनाव कीजिए, अच्छे हॉस्पिटल का चुनाव करिए। मैंने यहाँ गलती करी थी, अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे हॉस्पिटल का चुनाव करने में। ठीक है, हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे आपका घर है उसके आसपास अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, दूर जाना पड़े, लेकिन क्या आपके बच्चे से बढ़कर है वो दूर जाना? नहीं ना, तो आप दूर हो तो क्या हुआ, जाइए आप। गाड़ी अगर नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है तो बुक कीजिए फोर व्हीलर को, लेकिन जाइए अच्छे से अपना ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि देखिए, डॉक्टर सभी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं मतलब सही होते, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अभी नया नया होता है तो वो लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो नहीं पकड़ पाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको कि आप जो है मतलब डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और अपनी अपने बारे में बताओ कि हाँ मुझे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, वो है कि आप डॉक्टर के पास कब जाएं। सबसे बड़ी क्वेश्चन यही होता है कि हम डॉक्टर के पास जाए कब, प्रेग्नेंट हो जाए तब या प्रेग्नेंट से पहले। तो मेरा यही सजेस्ट है कि आप प्रेग्नेंसी कंसीव करने से पहले ही जाओ डॉक्टर के पास, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए क्योंकि 80% लोग तो डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं पता है, आप प्लानिंग बिना प्लानिंग के ही बेबी अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तब तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है, हमारे पास कोई चांस नहीं होता है, तो डॉक्टर के पास तो वैसे बाद में जाना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, पहले से ही प्लानिंग कर रहे हो, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाओ। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करता है कि आप हमारे पास तभी आओ जब आप प्लानिंग कर लो। आपको मैं एक बार बताती हूँ, आपके पास कोई गेस्ट आता है, ठीक है, अचानक से आ जाता है तो आप थोड़ा सा परेशान होते हो उनके लिए, फिर जो है जल्दी जल्दी सब कुछ पूरा व्यवस्था करो, है। लेकिन अगर वही गेस्ट आपको पहले बता के आए तो आपको पहले बता के आया तो आप उसकी पूरी तैयारी पहले से करके रखते हो ना। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर आप डॉक्टर को बताते हो तो वो पूरी तैयारी करेगा, पूरा आपको तैयार करेगा, वो आपके हेल्थ को, आपके जो आपके बॉडी है, जो भी प्रॉब्लम है उसको कंसीव करने के लिए, बेबी को आने के लिए, दुनिया में आने के लिए वो आपका सही हेल्थ डाइट देगा, सब कुछ बताएगा, है ना। इसलिए आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, तो आप डॉक्टर के पास तभी जाओ जब आप प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, प्रेग्नेंट होने के बाद तो वैसे भी जाना ही है, लेकिन उससे पहले ही आप जाओ। ठीक है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। ये तो कुछ टॉपिक थी जो मैंने नहीं करी थी, मैंने प्लानिंग तो किया बट डॉक्टर के पास नहीं गई। वो डॉक्टर जो है बताते हैं
कि हाँ हमें कैसे डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। तो और जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप टाइम टाइम पे हर चीज करो, टाइम पे खाना लो, टाइम पे नाश्ता लो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, योगा करो, ठीक है। लेकिन प्लीज डॉक्टर के सजेशन से ही करना योगा, ऐसा नहीं कि मतलब बिना पूछे बिना कुछ किए ऐसे ही अपने आप ही योगा करने लगो, ठीक है। तो डॉक्टर से पूछ के, उनसे एडवाइस लेकर ही आप योगा स्टार्ट कर दो। और योगा तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, मैंने भी करी है, मैं करती भी हूँ, और बहुत ही ज्यादा आपके हेल्थ के लिए इफेक्ट करता है। इसमें हमारा ही भलाई है अगर हम योगा करते हैं तो, हमारा बॉडी सही रहता है और इंटरनल भी सही रहता है। ऐसा नहीं कि हम पतले होने के लिए ही सिर्फ योगा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुम्हें पे योगा करने की जरूरत ही नहीं है, योगा करती हो तभी मुझे योगा करने की जरूरत नहीं है, लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं है कि मोटा या पतला होने के लिए योगा करो, आप अंदर से इंटरनल जो आपका है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अंदर से आप अच्छे रहोगे तभी तो कुछ करोगे, है ना, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो योगा करो भाई, योगा, अच्छी डाइट लो, ठीक है। टहलना हो सके तो, अगर जैसे बहुत लोगों को नहीं हो पाता, बहुत लोगों से मॉर्निंग में, तो शाम को इवनिंग में टहल लो, ठीक है। छत पे ही टहलो अगर बाहर नहीं ऐसा जा पा रहा, अभी लॉकडाउन है तो बाहर नहीं आ सकते, छत पे या अपनी गैलरी में ऐसे टहल सकते हो, ठीक है। तो अपना टहलो, ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छी डाइट लो, अच्छे आहार लो, ठीक है। और डाइट पे तो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, बनाऊंगी वीडियो कि आपको ऐसे में प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले कैसी डाइट लेनी चाहिए और कौन कौन से विटामिन्स लेने चाहिए, ये हमारा जो है वीडियो आएगा इस पे, तो आप उसको जरूर देखना। तो ये था मेरा कुछ टॉपिक, कुछ जो है पॉइंट्स थे जो आपको इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आपके लिए मतलब अच्छा डॉक्टर का चुनाव, ठीक है। आप जो है अच्छी डाइट लीजिए, योगा कीजिए, जो डॉक्टर बोलता है वो कीजिए, अच्छा हॉस्पिटल देखिए, ठीक है। और पहली बात, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से पता है बहुत ज्यादा ही इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रेगनेंसी लाइफ में, है ना। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, खुशी खुशी प्रेगनेंसी एंजॉय करनी है तो खुशी खुशी तैयारी करो। हम लोग को याद है तो हम लोग खुशी खुशी खुश हो जाते हैं ना तैयारी करते, बस उसी तरह खुशी खुशी तैयारी करो कि भाई मेरे यहाँ अच्छा मेहमान आने वाला है तो हम उसकी तैयारी करें, ठीक है। तो जरूर ये सब फॉलो करो, आपके ही भलाई के लिए है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी व्यूवर्स या मेरे भी किसी भी सब्सक्राइबर के साथ ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो, सो प्लीज आप ऐसा फॉलो जरूर करना, आप डॉक्टर के पास जरूर जाना और अच्छा डाइट लेना, टहलना, योगा करना, ये सब करना जरूर, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अभी के लिए बाय बाय, टाटा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।